क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मनपा और पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते जयेश मेहता ने दिया आत्मदाह का पत्र। ये जो पत्र आप देख रहे हैं, इस पत्र पर साफ तौर पर लिखा है कि 28 ग्यारह 2019 के दिन मैं जलकर आत्मदाह कर लूंगा अगर सीताराम गुप्ता के द्वारा मेरी इमारत पर चल रहे अवैध बांधकाम पर मनपा कार्रवाई नहीं करेगी। तो यह पत्र जयेश मेहता नामक भवन निर्माता ने वसई विरार मनपा के आयुक्त को दिया है। मेहता का आरोप है कि बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक सीताराम गुप्ता ने अग्रवाल के पास बनी उनकी इमारत पर जबरन कब्जा कर लिया, जिस पर कई अर्जियां देने के बाद भी न ही पुलिस प्रशासन जागा और न ही मनपा की नींद खुली। क्या नाम है आपका? जयेश मेहता। मेहता जी, क्या समस्या है आपको? मैंने वसंत नगरी में बिल्डिंग बनाई, जो मुझे बोला गया था कि ये हम लोग अप्रूव कर लिए, डाला है, आप बनाओ और उसका शास्त्री कर लग के आपका बिल्डिंग रेगुलर हो जाएगा। और मैंने सीताराम गुप्ता जो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक है उनकी बात मानकर बिल्डिंग का काम चालू किया। फिर बाद में आज से करीब 5 साल पहले तोड़फोड़ हुई, मेरा एक विंग पूरा टूट गया, तो मैंने इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि ये टोटल सीताराम गुप्ता ने जितने ये ज़मीन के पेपर बनाए हैं वो टोटल फ्रॉड है। अरुण सदानंद गुप्ता के नाम पे पेपर चढ़ाए वो टोटल फ्रॉड है। खेडूत को 10 पैसा नहीं मिला है, खेडूत डर के मारे दमन से आने को तैयार नहीं है। फिर डर के मारे फिर अभी मैंने लाखों रुपया करोड़ों रुपया बुकिंग उठाई थी तो मैंने काम चालू रखा तो फिर मेरा टूटा, फिर बनाया, फिर टूटा, ऐसा 3-4 बार मेरा डेमोलिशन हुआ। फिर बोला देख जैसे आज के बाद अगर थोड़ा बनाने गया हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। किसने बोला? नगर पालिका ने बोला आज के बाद अगर एक ईंट भी रखा तो ठीक है। मैं बोला आज के बाद एज इट इज में पोजिशन रखूँगा। और मैं कुछ भी नहीं बना रहा था, अचानक मैं बीमार होने से अचानक सीताराम गुप्ता एक दिन सुबह सुबह आ गए, 15 आदमी लेके, अपने भाई और भतीजे बेटे के सबके लेके आ गया और बोला इधर से हिला तो गोली मार दूंगा, तू हिलना नहीं ऑफिस से। मैं बीमार आदमी, मेरे को अस्थमा की तकलीफ है, मेरे कमर टूटी हुई है, मुझे दो हेटेक आ चुके हैं, तो मैं बैठा रहा। मैंने वहाँ से पुलिस को फ़ोन लगाया कि भाई मैं बाथरूम से फ़ोन कर रहा हूँ, आप जल्दी मुझे बंदोबस्त भेजिए। एसपी साहब गौरव सिंह ने बोला हाँ मैं भेजता हूँ। 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई, बोलते कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सीताराम ने जिस ढंग से मुझे प्रेशर में लेके ऑफिस में बिठाया था कि बोला ऑफिस से बाहर नहीं निकला तो तोड़ डालूंगा, और मेरे सब कुछ ताकत है, मार खाने की ताकत नहीं। तो फिर मैंने उस दिन करीब 50 फ़ोन किया, पालघर कंट्रोल, डीजी, आईजी कंट्रोल, सबको फ़ोन किया मैंने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पुलिस पे मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में, एसपी साहब को, डीवाईएसपी को, सब जगह मैंने पत्र लिख लिख के थक गया, क्योंकि आज कोई मेरी कंप्लेंट करता है तो पुलिस मुझे उठा लेती है, और मेरी बिल्डिंग पर इसने नाजायज़ कब्जा किया तो पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही। तो मैं थक हार के कोई न्याय नहीं मिलने की उम्मीद नहीं हुई, तो अब मैंने सोचा है कि 28 तारीख को मैं यही एडिशनल ऑफिस के बाहर जल के मरूंगा 11 बजे। क्या आपने इससे संबंधित पत्र व्यवहार मनपा या पुलिस डिपार्टमेंट? मनपा से मैंने पत्र व्यवहार कंटिन्यूस किया तो उन्होंने 3 दिन पहले लिख के दिया कि ताबड़तोब थोड़ा कार्रवाई की जाए, लेकिन मन्नानी शिंदे बोलती है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे पास आदमी की फौज नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो अगर एक ऑफिसर ऐसा जवाब देता है तो फिर दूसरे क्या करेंगे। जो आज वसई के इतिहास में सबसे ज़्यादा डेमोलिशन वसंत नगरी में हुए और आज सबसे ज़्यादा जोरों से फिर अनधिकृत चाल का बांधकाम चालू हो गया है, सीताराम गुप्ता नगर सेवक होकर 40,000 रुपये पर रूम का वो हफ्ता वसूल कर रहा है उधर से, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई पुलिस की भी नहीं। और जब थक गया हूँ तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब जनता को जवाब देने से मेरी ताकत नहीं है कि इसने घर का कब्जा कर लिया, बिल्डिंग का वो जो बेचा है, लोग मुझे मारने भी आते हैं, तो इसलिए मैं 28 तारीख को इधर जल के मरूंगा। आपने पुलिस विभाग को सूचित कर दिया है? सबको सूचित किया है, कोई विभाग ऐसा नहीं। आश्वासन दिया आपको? बोला हम करेंगे, देखेंगे, हम लोग हमारे विधि अधिकारी की सलाह लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 4 महीने से मेरे को कंटिन्यूस चौकी में दौड़ा रहे हैं, मेरी हालत ख़राब है, मैं बोलने की तकलीफ है, मेरे को चलने की तकलीफ है, फिर भी वो लोग मुझे कुत्ते की तरह इधर से उधर दौड़ा रहे। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।